आज बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए काफी बड़ा दिन था, क्योंकि उनके नए नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी कार्यक्रम में पद ग्रहण करने वाले थे। स्वागत कार्यक्रम में बाबूलाल मरांडी ने अपने कार्यकर्ताओं को किस अंदाज में संबोधित किया, ये आप वीडियो के माध्यम से देखेंगे। साथ ही अभी आप देखें कि किस तरह से बाबूलाल मरांडी ने अपने कार्यकर्ताओं के 2024 के चुनाव को लेकर क्या टास्क दिया है। देखिए, जो कुछ भी चुनौतियां होगी, हम सब लोग मिलजुल करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बिल्कुल सक्षम है उन चुनौतियों को सामना करने के लिए। फिर हम सब लोग मिलते रहेंगे, बाद में पता चलेगा कौन कौन सी चुनौती है। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ हम सबको समझने की ज़रूरत है, उनका जो अनुभव रहा है, चाहे वो प्रशासनिक व्यवस्था पर हो, चाहे राजनीतिक व्यवस्था पर हो या सामाजिक व्यवस्था पर हो, उसका लाभ निश्चित रूप से झारखंड की 3.5 करोड़ की आबादी को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी जैसे विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल के संगठन के साथ जब वो काम करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में पार्टी भी मजबूत होगी और लोगों की आकांक्षाएं भी पूरी होंगी। अच्छा, एक सवाल और लेके सर, ये बातें सामने आ रही कि पार्टी में बाद और ग्रहण प्रभार ग्रहण करने के बाद गुटबाजी एक लिमिट में होगी। सबसे पहली बात तो पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, ये कहीं ना कहीं मीडिया के कुछ साथी ऐसा कहते होंगे या लोग चर्चा करते होंगे या विपक्षी पार्टी के लोग कहते होंगे, पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। पार्टी का हर कार्यकर्ता जो पार्टी का सिद्धांत है, जो पार्टी के वैल्यूज़ हैं, उसको लेकर जनता के बीच जाना और जनता की समस्याओं के साथ खड़ा होना, उनके जो उनकी दुख है उसको समझने की कोशिश करना, इस काम में लगा रहता है। कोविड काल में भी आपने देखा, जब अन्य दल के लोग घर में दुबके हुए थे, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता जमीन पर खड़ा होकर लोगों की मदद कर रहा था। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। निश्चित रूप से आदरणीय बाबूलाल मरांडी का जो राजनीतिक जीवन रहा है, इतना संघर्षपूर्ण जीवन रहा है, उससे प्रेरणा युवाओं को जरूर मिलेगी और हर कार्यकर्ता आज उत्साहित है और एक उम्मीद भरी नजरों से आने वाले समय की ओर। एक सवाल और लेंगे सर, जेएमएम ये कह रही है कि वो तो जनता की अदालत में तय होता है कौन किसके सामने टिकता है, कौन किसके सामने नहीं टिकता है। समय है, समय बदलता है और झारखंड में भी समय बदलेगा। बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का आज इसने समारोह था। आप देख सकते हैं मेरे पीछे तस्वीरों में कि किस तरह से नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को कार्यकर्ताओं ने स्वागत कर रहे हैं। जिस तरह से बाबूलाल मरांडी ने आज के कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को टास्क दिया है, वाकई का ये टास्क 2024 के चुनाव में सफल हो पाती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अपने सहयोगी मुकेश के साथ नौशाद, लाइव इंडिया, रांची।